भले ही आपका काम एक जल्लाद का हो, आप फिर भी उसे करुणा के साथ कर सकते हैं। उसने गुस्से से चिड़िया को बस इस तरह देखा, चिड़िया में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। एक कसाई मुझे क्या सिखा सकता है, मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं, मेरे काम की प्रकृति मुझे दूसरों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर करती है, फिर मैं अपने आसपास हर किसी से प्यार कैसे कर सकता हूं? मैं आपको बताता हूं, एक ऋषि थे जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, कौशिक नाम के प्राचीन ऋषि। जब कौशिक प्रसिद्ध नहीं हुए थे, एक युवा सन्यासी, उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और एक पेड़ के नीचे सुबह की साधना के लिए चेहरा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर बैठ गए। एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, वो अपनी ही चीजें करती है। तो ये उसकी गलती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण होता है और वो आकर सीधे उनके चेहरे पर गिरी। ऊपर की ओर उठा चेहरा, ये पेड़ के नीचे बैठने का जोखिम भरा तरीका है। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। अभी उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चिड़िया ने उनके चेहरे पर गंदगी गिरा दी। उन्होंने गुस्से में चिड़िया को बस इस तरह देखा, चिड़िया में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये बढ़िया है, ये काम कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी साधना और बाकी चीजें पूरी की और दिन के भोजन के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अपनी जीविका नहीं कमाते, वो भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं, तो वो गए। तो वो शहर गए, एक घर के सामने खड़े हुए और बोले, भिक्षाम देही, इसका मतलब है मैं भिक्षा लेने आया हूं। आमतौर पर परंपरा में अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर है आकर भोजन मांगता है, तो चाहे आपके बच्चों ने ना खाया हो, सबसे पहले आप उसे भोजन दें, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है और वो एक उच्च खोज पर है, तो उसे खिलाना जरूरी है, यही संस्कृति है। तो वो बोले, भिक्षाम देही। अंदर से एक महिला की आवाज आई, मैं आ रही हूं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उन्होंने आवाज ऊंची की और कहा, भिक्षाम देही, क्योंकि आज सुबह ही चिड़िया को उसने उनके आध्यात्मिक प्रक्रिया को थोड़ी हवा दे दी है। वो बोली, कृपया रुकिए, मैं आ रही हूं। उन्होंने आवाज और ऊंची कर दी, भिक्षाम देही, वो चिल्लाए। वो बोली, कृपया कुछ मिनट रुकिए, मैं आ रही हूं, मगर वो चिल्लाते रहे। फिर वो महिला आई और वो चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इंतजार करवाने की, मैं एक सन्यासी हूं, तुम मुझसे इस तरह इंतजार कैसे करवा सकती हो। और वो उसको घूरने लगे। वो बोली, मुझे घूरिए मत, मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं हूं। तो तब वो, क्योंकि वो घटना आज सुबह ही हुई थी, ये अभी अखबारों में नहीं छपा है, और उन दिनों कोई ट्वीट भी नहीं कर सकता था चिड़ियों के अलावा, और वो चिड़िया मर चुकी है। तो वो बोले, तुम कैसे जानती हो? वो बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घूरिए मत, मैं अपने पति को भोजन करा रही थी जो देख नहीं सकते, मैं उन्हें खाना खिला रही थी, इसलिए मैंने आपको रुकने को कहा, आपको किस चीज की जल्दी है? मैंने कहा कि मैं आ रही हूं। वो बोले, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो बोली, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के रवैये के साथ जैसे आप अभी हैं, आप ये सब नहीं जान सकते। फिर वो गिड़गिड़ाने लगे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। वो बोली, मैं गृहिणी हूं, मैं शिष्य नहीं लेती, आप चाहें तो मेरे गुरु के पास जा सकते हैं, मैं आपको उनका पता दे दूंगी। तो उन्होंने पता दे दिया।
उन्हें बताया कि कहां जाना है। फिर वो उनके निर्देशों के अनुसार गए। पता उन्हें बाजार में ले गया और बाजार के बहुत अंदर तक, और फिर कसाई की गली में ले गया। वो एक ब्राह्मण है, कसाई की गली में देखा जाना भी एक अपराध है। उन्होंने चारों ओर देखा, मांस लटके हुए थे। उन्होंने सोचा शायद कोई गलती है, मगर पता सही था। उन्होंने पूछा, लोगों ने इस दिशा में इशारा किया और वो चले गए। फिर उन्होंने पूछताछ की, लोगों ने कहा अच्छा ये आदमी वहां है, और उसके ऊपर हर जगह खून के छींटे थे और वो मांस काट रहा था। उन्होंने सोचा जरूर कोई गलती हुई होगी, ये नहीं हो सकता। चाहे ये सच भी हो, मैं कसाई से नहीं सीख सकता। एक कसाई मुझे कैसे खा सकता है, मैं एक ब्राह्मण हूं। वो मुड़ने ही वाले थे कि कसाई ने उन्हें नाम से बुलाया और कहा, आइए, मैं जानता हूं कि उसने आपको भेजा है। अब वो जाकर वहां खड़े हो गए। ये सारा खून और मांस उनसे सहन नहीं हो रहा था, मगर वो बस हैरान होकर वहां खड़े रहे। जब वो वहां गए, वो महिला चिड़िया के बारे में जानती थी, वो यहाँ आए, इस आदमी को पहले से पता है कि उस महिला ने उन्हें भेजा है। वो इंतजार करने लगे। कसाई ने कहा, थोड़ा रुकिए, मैं बस ये काम पूरा कर लूं, फिर मैं आकर आपसे मिलूंगा। वो बस वहां खड़े रहे। फिर उन्होंने अपना काम पूरा किया, सब बंद किया और फिर चलने लगे। वो उससे 3 फीट की दूरी बनाकर चलने लगे, क्योंकि एक कसाई के बगल में चलना, असल में उन्होंने उसे मांस काटते देखा था। फिर कसाई ने उनसे बात की। वो बोला, आओ मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, हम वहां बात करेंगे। वो उसके साथ चले गए। उसने उन्हें बैठाया और अंदर गया। स्नान किया, कपड़े बदले और आकर कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मेरे माता पिता बीमार हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे पहले उनका ध्यान रखना होगा। तो वो अंदर गया और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की और फिर वापस आकर बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप जो जानते हैं उसे कैसे जाना जाता है। सुबह वो महिला चिड़िया के बारे में जानती थी, मेरे आने से पहले ही आप मेरे बारे में जानते हैं, ये कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। वो बोले, बस किसी चीज का ध्यान पूरी भागीदारी के साथ रखना सीखो। कोई चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। वो अपने अंधे पति की देखभाल करती है, मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करता हूँ, और जब मैं इन पशुओं को काटता हूँ तो मैं उनका कष्ट कम से कम करते हुए उन्हें काटता हूँ। मैंने कसाई बनना चुना क्योंकि अगर कोई और कसाई बनता तो वो पशुओं को कष्ट दे सकता था। मैं कसाई बना क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो सबसे बेहतर कर सकता हूं। अगर मैं इसे किसी और पर छोड़ देता तो वो उसे जैसे तैसे करते। तो बहुत अलग नहीं है, क्रिमिनल लॉयर, इसे करुणा के साथ कीजिए, परेशानी क्या है। आप वकील का काम कर सकते हैं, आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम चीजें जो दुनिया में करने की जरूरत है आपको उसे करना है, मगर मूल रूप से अगर आप देखते हैं कि मैं सिर्फ जीवन हूं, जीवन बाकी हर चीज के साथ स्पंदित होगा। प्यार कोई नीति नहीं है, ये एक अनुभव है। आप उसे एक नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीति के तौर पर यह काफी मूर्खतापूर्ण नीति है, सच में। अगर आप चारों ओर देखते हैं और हर चीज के साथ एक महसूस करते हैं तो ये बहुत अच्छा एहसास है। आपका खुद को कहना, मैं तुम हूं, तुम मैं हो, तुम मैं हो, मैं तुम हूं, ये एकदम अलग बकवास की तरफ ले जाता है। किसी को पसंद मत कीजिए, किसी को नापसंद मत कीजिए, बस उनके साथ रहिए। जैसे आप पेड़ों और बादलों और पहाड़ों और बाकी हर चीज के साथ हो सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। आप क्या करते हैं? आप वो करते हैं जिसकी जरूरत है। आया ना, क्या प्यार यही नहीं है? आप वो करते हैं जिसकी जरूरत है, आप पक्षपाती नहीं होते।
तो पूर्वाग्रह इसलिए होता है क्योंकि आप किसी न किसी चीज के साथ पहचान जोड़ते हैं। जब मैं पूर्वाग्रह कहता हूं तो आपको समझना चाहिए, जैसे ही मन किसी चीज के साथ पहचान जोड़ता है, आपके मन में एक तरह का पूर्वाग्रह होता है। अगर आप कहते हैं मैं एक पुरुष हूं, आपके अंदर एक बहुत पुरुष जैसा पूर्वाग्रह है जो आपको पता नहीं होगा। दूसरे सोचते हैं कि आप कुछ और हैं, उनके पास इसके लिए बुरे नाम है। जैसे ही आप कहते हैं मैं एक भारतीय हूं, आपके अंदर भारतीय जैसा पूर्वाग्रह होता है। चाहे आप कोई भी पहचान बनाए, आपका मन बस उसी के आसपास काम करता है और ऐसा लगने लगता है कि ये सही है, वो खास चीज जिससे भी आपकी पहचान है, बाकी सब अलग लगता है। तो मूल रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है किसी नई चीज के साथ पहचान न जोड़ना। यहां जीना सीखना पहचान के किसी भी एहसास के बिना, बस जीवन के रूप में यहां जीना सीखना, क्योंकि आप वास्तव में वही हैं, है ना। तो अभी आप कोर्ट में हैं, यह आपके कार्य की प्रकृति नहीं है, यह आपकी पहचान है जो आपको स्पंदित नहीं होने देती। अभी आप भले ही किसी को मौत की सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, भले आप मौत की सजा के लिए काम कर रहे हो, आप उस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ हुए बिना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कार्य की प्रकृति क्या है, चाहे आपका कार्य जल्लाद का हो, आप उसे भी करुणा के साथ कर सकते हैं। लोगों ने ऐसे भयंकर काम भी करुणा से किए हैं, है ना।